Hello you guys, welcome to yet another fun-filled episode of Inside Stories with Meenakshi. So Inside Stories में आज हम किससे मिलने वाले हैं? Well, आपको बता दूं कि Inside Stories is all about a show जहां पर मैं मिलती हूं आपके favorite content creator से और उनसे जानती हूं ढेर सारी inside यानी कि अंदर की बातें. Well, अंदर की बातें तो बहुत सारी क्योंकि आप उनको उनके Instagram handle, social media handles पे जानते हैं, लेकिन अंदर की जो राज हैं कि किस तरह उन्होंने ये food blogging शुरू की या फिर fashion blogging शुरू की या content creation किस तरह शुरू किया, इन सारी बातों पर और parents से बात करके हम एक अंदर की पोल जानते हैं. तो कैसा है, क्या है, थोड़ी सी मस्ती, ढेर सारा मज़ा. आज के गेस्ट कौन से हैं? आज के गेस्ट जो हैं वो जो है ना अपने रील्स, अपने कंटेंट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं एंड ही इज़ फैंटास्टिक फूड ब्लॉगर हमारे टाउन के. कौन है वो, मैं जानती हूँ कि आप जानना चाहते हैं. ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव आज के हमारे गेस्ट एंड अब आप देखकर समझ गए होंगे, वी हैव वायरल फूडीज विद अस. वायरल फूडी हैं दोयश. तो दोयश वेलकम टू अस. तो चलिए, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा फन क्रिएट करना है और दोयश की इनसाइड स्टोरीज भी तो जानी है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी. तो यस, मैं आ चुकी हूँ दोयश के घर. वायरल फूडी, यस, आप ही के वायरल फूडी. और वायरल फूडी को आप अपने इनके सोशल हैंडल्स पर जानते हैं और देखा है कि कितना फैंटास्टिक कंटेंट क्रिएट करते हैं. ये जो रिव्यूज़ देते हैं वो रिव्यू के बाद ही आप उस क्योस्क हो चुका है या फिर रेस्टोरेंट हो चुका है, कैफ़े, आप वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये रिव्यू जो था बहुत सही रिव्यू था. तो दोयश के बारे में जानना बहुत है क्योंकि दोयश दिखते बहुत शाय हैं लेकिन सच में क्या शाय हैं और इनके पीछे का राज क्या है, इनकी मस्ती, इनका फन, इनकी फैमिली से बात करेंगे एंड वील गना हैव अ ट्रिकी कॉन्टेस्ट एज वेल विद दोयश. फदार, देखते रहिए इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी. So guys, you're watching Inside Stories with Meenakshi और आज हमारे गेस्ट कौन है, तो मैंने देख ही लिया. वायरल फूडी दोयश पात्रा पे. दोयश इज अ यूनिक नेम एंड दोयश एक्चुअली हैज अ स्ट्रॉन्ग 80K फैमिली नाउ. इन इट्स एक्चुअली सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन. दोयश कब शुरू की थी फूड ब्लॉगिंग? मैंने फूड ब्लॉगिंग 7 अगस्त 2020, मतलब लॉकडाउन ही था तभी तो स्टार्ट किया था. बहुत कम समय में दोयश ने क्रिएट किया 80K फैमिली. कांग्रेचुलेशन सबसे पहले. रीजन अभी जस्ट करंटली तुमने 80K कंप्लीट किया है, जस्ट 2 डेज अगो. यस. सो दोयश, फूड ब्लॉगिंग, घर का खाना नहीं खाना था इसीलिए फूड ब्लॉगिंग तो नहीं, ऐसा क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ना अब दूसरे क्रिएटर्स से इंस्पायर होकर फूड ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटर्स बहुत जेन्यून तरीके से शुरू कर रहे हैं, सॉरी टू से, बट कुछ क्रिएटर्स हैं जो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट की वजह से भी शुरू करते हैं एंड इट हैपेंस इन एवरी फील्ड. लेकिन इंस्पायर्ड बाय रुचिका असतकर, ओके, शी इज ग्रेटफुल, हर कंटेंट इज वेरी नाइस. तो तुमने जब फूड ब्लॉगिंग शुरू की क्या दिमाग में था कि वाई फूड ब्लॉगिंग? पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो साथ में चल ही रही थी बट लॉकडाउन था तो फोन ज्यादा यूज होता था. हाँ. इंस्टा एंड ऑल, तो फीड चेक किया, रुचिका सत्कर ऐसा पोस्ट दिखा. okay. ये नागपुर की है, ये भी पोस्ट वगैरह डालती है तो सोचा ऐसा कुछ आया दिमाग में. तो अभी लॉकडाउन था तो हम तो बाहर जा नहीं सकते तो रेसिपीज डालना पहले चालू किया. okay. और फिर जो पहले की जब फोटोज थी मैंने फिर वो भी पोस्ट करना चालू की. okay. तो फिर जैसे लॉकडाउन खुला वैसे मैं स्ट्रीट फूड पहले या फिर इनवाइट्स एंड ऑल ऐसा. okay. वो एक्चुअली ट्रेंड है. अभी मैं तो फूड ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं तो हर जगह का रिव्यू करती हूँ एज एन प्रोग्रामिंग एंकर. लेकिन आदत हो गई है कि जब भी हम कुछ खाने जाते हैं वो चाहे एक पानी पूरी क्यों ना हो पहले फोटोग्राफ खींचते हैं. और अब पानी पूरी वाले को भी एक्चुअली आदत हो गई है कि भैया धीरे ही खिलाएगा स्टार्टिंग में, उसे पता है पहले ये फोटो खींचा जाएगा उसके बाद ये अंदर जाएगा. ये एक ट्रेंड तो बहुत है ना तुम्हारे फोन में. मेरे मुझे लगता है कि फूड के फोटोग्राफ्स ही पूरे भरे हुए हैं. फूड की ही है एंड नथिंग एल्स. ऐसा होता है कि कभी स्टोरेज स्पेस बेचारा चिल्लाता है जोर जोर से खाली करो मुझे, अभी भी भरा ही है. नाउ अभी आप नागपुर से अब हैदराबाद शिफ्ट हुए, रीजन?
रीजन आई एम डूइंग बीबीए लॉजिस्टिक्स फ्रॉम जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी अमरावती, तो हमारे इंटर्नशिप्स है तो वो वन ईयर अभी हैदराबाद शिफ्ट हूँ मैं। अभी हॉलीडे करता है बंदा, सिर्फ खाना नहीं खाता है और सिर्फ रिव्यूज नहीं देता है, पढ़ाई भी करता है, इज अ सीरियस स्टूडेंट। पढ़ाई में कैसे थे और अभी कैसे हो? पढ़ाई में एवरेज एवरेज थे, एवरेज ही हो कि पढ़ाई में दिल लग रहा है? पता चला कि पढ़ते पढ़ते पता चला यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बोल्स रखे हुए हैं, इसमें जलेबी, इसमें कुछ तो भी कुछ ऐसा होता है। मेरे साथ तो बहुत होता था, होता था क्योंकि मेरे जब भी मैं पढ़ाई करती थी मेरे बाजू में एक और मेरी फ्रेंड, आई टेल यू, उसके हमेशा मैं हमेशा उसे अभी भी चिढ़ाती हूँ कि जब भी वो पढ़ाई करती थी उसके आसपास में कटोरियाँ ऐसे मिलती थी दो तीन की, कुछ ना कुछ उसमें खाने के लिए होता था। बिग फूडी एक्चुअली, फूड ब्लॉगिंग इज नाउ अ प्रोफेशन, एक बहुत ही अच्छा क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? क्योंकि फूड ब्लॉगिंग जो है अब बहुत क्रिएटिव, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग इज नॉट दैट इजी, राइट? एक क्रिएटिव टास्क है ना, जैसे लोग सोचते हैं वैसे है नहीं। एंगेजमेंट्स मेंटेन करने के लिए, एंगेजमेंट्स एंड ये एडिटिंग एंड ऑल बहुत होता है उसमें। ओके, एक अच्छा फूड कंटेंट क्रिएट करने के लिए किस तरह से तुम तैयारी करते हो? जैसे अभी अगर पेज नहीं चल रहा है ढंग से तो रेसिपीज, इजी रेसिपीज 15 सेकंड्स वाली वो बना के डालो तो अच्छा ग्रोथ मिलता है। और फिर ऐसा कंटेंट ऐसा डालो कि जो क्रिएटिव हो तो लोग ज्यादा देखते हैं तो उससे रीच ग्रो होता है। ओके ओके, तुमने रेसिपीज बनाई? हाँ, लॉकडाउन में बनाया। फूड ब्लॉगर्स ने लॉकडाउन के समय पे बहुत ज्यादा कुकिंग की। इसके पहले कभी किचन विचन के दर्शन किए थे? नहीं किए थे। नहीं नहीं किए थे, झूठ नहीं बोलना। सच में किए? सच में किए थे। सच्ची में कुछ ट्राई किया? मम्मा को हेल्प किया था? सब बना लेते हो? सब डीएम द रिश्ताज नाउ स्टार्ट, क्योंकि वो बंदा जो है यार, लड़के खाना बनाते ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सच में बनाना चाहिए, लड़कों ने भी खाना बनाना चाहिए। और आजकल के लड़के तो बड़े होशियार हो गए हैं और किचन में भी जाने लगे हैं। लॉकडाउन में तो जाना मजबूरी थी, लेकिन अगर लड़का बिना मजबूरी के खाना बना रहा है तो फिर जल्दी से रिश्ते भेजना शुरू कर दो, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ अभी तुरंत इसके बाद। तो अब हैदराबाद में फूड ब्लॉगिंग कैसे चल रही है? बिकॉज हैदराबाद इज सिटी ऑफ फूड, बहुत अच्छा इडली एंड डोसा एंड वही खाने को मिल रहा है अभी फिलहाल उधर। उसके अलावा नहीं है कुछ? उसके अलावा बिरयानी है। अच्छा, वही नॉनवेज, नॉन वेजिटेरियन के लिए कहीं ना कहीं हैदराबाद इज अ सिटी। एंड मेरे ख्याल से सिर्फ इडली डोसा सांभर नहीं मिलता, अब तो बहुत जगह बहुत कुछ मिलने लगा। मैंने बहुत जगह तरी पोहा देखा ही नहीं उधर। हाँ, तरी पोहा किधर डाल लेते ना, एक खाता की ओर मैं जल्द चली जाती हूँ हैदराबाद एक ठेला डालने के लिए, क्योंकि यार हमारे भी सोचा था, है ना, हमने भी सोचा था कॉलेज के नाम से ऐसा तरी पोहा डाल दे, एक स्टॉल डाल दो, स्टॉल डाल दो, वायरल फूडी तर्री पोहा वाले, क्या पता चल जाए सच में लोगों को, क्योंकि यार वो भी लोग डोसा और ये सब खा के बोर हो गए, कुछ तो चाहिए तड़ाकेदार। और वैसे भी हमारे इधर ना कोई भी फूड आता है तो हम तो उसमें सावजी तड़का लगा देते हैं, वो चाहे वो छोला भटूरा क्यों ना हो, चाहे डोसा क्यों ना, डोसे को भी हम फ्यूजन बना देते हैं हम। अरे बाबा रे, फ्यूजन के नाम पे तो नागपुर इज लाइक सो गुड। मैं तुम्हें पूछना चाहूंगी कि इतने टाइम से फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हें किस तरह की फूड ब्लॉगिंग, किस तरह का खाना, किस तरह की चीजें पसंद है? स्पेशली चाइनीज ज्यादा पसंद है। ओके, तुम्हारा फेवरेट क्या है? स्ट्रीट फूड की रेस्टोरेंट फूड? स्ट्रीट फूड। ओके, कि इसके अलावा सबसे पूर्ण घर में कितना खाते हो और बाहर कितना खाते हो? घर में तो बहुत कम खाता हूं अभी फिलहाल, पूरा हफ्ता बाहर खाते हो। हाँ, मतलब इसको देखकर लग रहा है यार कि ये सच में फूड ब्लॉगर है, बिकॉज मैं जब बार बार ये कह रही थी ना कि फूड ब्लॉगर्स इतने फिट कैसे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि दोयश फिट है, क्योंकि ये मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमारे नागपुर के मोस्टली फूड ब्लॉगर्स बहुत फिट हैं, बट कहीं ना कहीं इसको लग रहा है खाना। मैं बहुत खुश हूँ ऐसा देख के कि कोई फूड ब्लॉगर तो है जिसे खाना लग रहा है, नहीं तो फूड ब्लॉगर फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं और खाना भी नहीं लगता, ये तो बड़ी दुखदाई बात है। मैं तो सांस भी ले लूँ तो लग जाए मुझे, सॉरी। लेकिन अब चलिए दिस एंड दैट खेलते हैं, राइट? दिस एंड दैट में यू जस्ट हैव टू आंसर क्विकली, राइट? रेस्टोरेंट फूड और स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड। ओके, यू आर चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? कॉफी। ओके, व्हाट काइंड ऑफ कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी? कोल्ड कॉफी। ओके, स्ट्रीट फूड में दो ये क्या कहते हैं इसे, समोसा या कचौरी? समोसा। हाँ हाँ, विदर्भ का अंदा है। अच्छा, अभी छोला राइस आ गया है, छोला राइस या तर्री पोहा? छोला राइस। ओके, क्यों तर्री पोहा नहीं? तर्री पोहा भी पसंद है बट छोला पाप लगता है, ऐसे नहीं बोलना पड़ता है, तर्री पोहा पहले बोलना पड़ता है।
क्योंकि यार हम विदर्भ की शान है यार, नागपुर की शान है तर्री बहुत। जरी पटका का मैंने खाया था, एसएसडी छोला राइस, तो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत। ही इज हार्ड वर्किंग आल्सो एंड हां वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई हैव कवर्ड हिम, ही इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। स्ट्रेंजेस्ट थिंग यू हैव एट अभी कुछ, अभी बाहर फूड ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ स्ट्रेंजेस्ट तो तुमने नहीं खाया था जो तुमने खाया? मंचूरियन डोसा जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा नहीं पसंद आया, फ्यूजन नहीं पसंद आया? नहीं। ओके तो व्हिच काइंड ऑफ डोसा यू लाइक फ्यूजन में अगर बोले? फ्यूजन में जीनी डोसा फ्रॉम गौरीवर्धन। ओके ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बात करें, कुकिंग की बात करें, तो तुम्हें घर का खाना पसंद है या बाहर का खाना? अब बोल देना कि घर का खाना। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर। घर का खाना पसंद है। ओके, सावजी या फिर सावजी नहीं? सावजी। तुम सावजी बोलोगे? सावजी सावजी एवरी टाइम सावजी। ओके, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो गो थ्रू करते हैं, मे इट बी क्रिएटिंग अ कॉन्टेंट, मे इट बी ईटिंग फूड आउटसाइड, क्योंकि यार कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट? Drinking lot of water and going to the gym every day in the morning। सच्ची में जा रहे हो? जिम वाले से पूछना पड़ेगा। सच में रोहेश आता है नहीं आता है कि सिर्फ खाता है और फिर सो जाता है? ये तो उनकी फैमिली से जानेंगे। देयर इज लॉट मोर टू नो अबाउट रोहेश, लेकिन वो तो उनकी फैमिली से जानेंगे। फॉर दैट जस्ट स्टे ट्यून्ड टू इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी। You're watching Inside Stories with Meenakshi और आज के गेस्ट कौन है? आज के गेस्ट हैं वायरल फूडी। वायरल फूडी से हमने बात कर ली, रोहेश से हमने बात करी, लेकिन अंदर की जो पोल है और स्पिलिंग द बीन्स कौन करता है, फैमिली कर दिए, मेरे साथ कौन है? सिस्टर नहीं है, रोहेश की मम्मा है, आनंद की सिस्टर ये हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप उनकी मम्मा हो, इतना मेंटेन। मतलब दोएश इज लाइक वो शायद खा के मुट्ठू हो गया है। हाँ। और ऐसे लग रहा है कि मम्मा जो है इतनी मेंटेन है। कि सबसे पहले आपके राज के हाथ में मेंटेन करने का? राज कुछ नहीं, बस <सार गए। laughs> मतलब लगते नहीं हो यार, इतने बड़े बेटे की मम्मा लगनी तो चाहिए यार, ऐसे कुछ तो लगना चाहिए। क्या करते हो, खाते वाते नहीं हो आप? नहीं, सारा बेटा ही खाता है। नहीं खाती हूं ना। मुझे बताओ कि दोएश ने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, राइट? तो क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि वो एक डिग्री हासिल करे, एक जॉब करे 9 to 5 जो भी है, बट दोएश ने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, तो स्टार्टिंग में आपने तो कुछ बोला होगा कि ये क्या कर रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, मैं पहले इसके खिलाफ ही थी। हाँ? मतलब ये क्या कर रहा है, पढ़ाई करते जा, टाइम वेस्ट करता है। हाँ, इतना मतलब इसमें क्या है। फिर जैसे जैसे इसके वो ये होते गया, लोगों ने ये किया, जब इसके 50 के बढ़ गए थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और इसका और बढ़ना चाहिए। अभी 2 दिन पहले अभी ये आया है तो 80K हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं था। इसकी सिस्टर ने सब अरेंजमेंट किया था, केक वगैरह कटिंग का सेलिब्रेशन वो सब किया था, तो बोली 80K हो गए, मुझे भी थोड़ा ये ही लगा, तो बोले अभी 100K के लोग प्यार दे रहे हैं, हम लोग पसंद कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी ना एक ट्रेंड हो गया है कि कहीं ना कहीं लोग कहीं जाने से पहले ब्लॉगर्स के रिव्यू देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, वहाँ की सारी चीज़ें कैसी, उसके बाद वो जाते हैं, और यही उनका काम होता है कि वो लोगों को उस तरीके का रिव्यू दे सकें। पहले जब ये फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी इसने, तो बड़े पैसे खर्च करता होगा हर जगह। मतलब आप भी तो बोलते होगे कि इतना पैसा जाता है तेरा। हाँ, हर वक्त कितनी पॉकेट मनी मिलती थी उसको, पेट्रोल के लिए पैसे मांगता था, तो मैं बोली कुछ काम नहीं, और पेट्रोल में पूरे पैसे चले जाते हैं। फिर इसके सब वो मतलब वो भी सब भेजते थे इनको। हाँ हाँ हाँ, सारे प्यार पैकेट्स आते होंगे। आजन सिस्टर क्योंकि फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आधी मेहनत तो पीछे तुम्हारी भी होगी कहीं ना कहीं, उसमें हाँ शूट करना, ये सारी चीजें करना। हाँ। कितना सर है ना, सर खाता नहीं खाता है? सर खाता है, खाता होगा, बोल दो यार, कितना खाता है, कितना परेशान करता है? लॉकडाउन में तो बहुत खाया होगा। किचन में पहले जाता था या फिर लॉकडाउन में और फिर कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो किचन में गया? नहीं, पहले से वो किचन का। हाँ, मतलब आपने सिखा रखा है उसको? नहीं, वो सिखाया वगैरह नहीं, पर हाँ, हम करते थे। हाँ, तो उसको मतलब छोटा था ना, तब से ही उसको मतलब उसके पापा चाचा वगैरह सब किचन में जाते थे, रहनी चाहिए, हैबिट थी। सो गुड यार गाइस, मतलब मैं उन सारे पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, और ऐसा अभी तो नहीं होता, बट देयर इज अ सेक्शन कहीं ना कहीं कि बॉयज को ना
नहीं करने दिया जाता। मैं वो कहते नहीं ये तुम्हारा नहीं है काम, तुम ग्लास क्यों उठा रहे हो, तुम खाना क्यों खिला रहे हो, तुम क्यों ला रहे हो। बट आई थिंक कि यू शुड ट्रीट योर बॉयज़ लाइक गर्ल्स, उन्हें उस तरह के का ना सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर बचपन से ही आप सिखाओगे तो बड़े होकर वो भी उतना सपोर्ट करेंगे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब हर कोई ऑफिस गोइंग है, हर किसी को पार्शली ना करना चाहिए काम, राइट। लड़के जब खाना बनाते हैं ना तब सच में कैसा बनाता है खाना, अच्छा बनाता है, टेस्टी बनाता है, मेरे से तो टेस्टी बनाता तो आपने है। फिर बोल देना चाहिए कि जब दोयेश है तो किचन में तू ही रहे, मैं तो बाहर करता हूं। है ना करता ऐसा है। किया आपने कभी? हाँ, मैं अभी ये अभी लॉकडाउन में महिलाएं बहुत परेशान थी किचन में ज्यादा, तो आपके पास तो इतना अच्छा पार्टनर है किचन में, तो वही करता था ना, करता है। क्या नया नया बनाया दोयेश ने, और ऐसा कुछ बनाया जो आपको लगा कि यार ये इसने कैसे बना लिया? उसने वो बॉल्स बनाए थे डीप फ्राई करके, हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगा और अच्छा। लोगों को भी अच्छा लगा, वो आलू क्या कुछ तो भी स्टफिंग करके की होगी। स्टफिंग अच्छा करके। ऐसा कुछ, क्योंकि तुम पे भी एक्सपेरिमेंट होते होंगे है ना कि टेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ जो उसने बनाया वो अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ यार, ये अच्छा नहीं बना? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं यार, ऐसे कैसे यार, कोई तो रेसिपी बिगड़ी होगी यार, कुछ तो बिगड़ा होगा, कुछ तो याद होगा, सही कर लेते थे। अच्छा, ये बहन है बहुत सपोर्टिव बहन है कि अब वो राज नहीं खोलना चाहती, मैं कितनी कोशिश कर लूँ वो नहीं बताएगी कि कौन सी रेसिपी बिगड़ी थी, क्योंकि रेसिपी बिगड़नी तो बनती है, जब तक तो बिगड़ेगी तब तक तो सुधरेगी कैसे, सुधरेगी है ना। हाँ। है ना, ऐसी कौन सी चीज दोयेश अपने साउजी खाने में बहुत अच्छा बनाता है? सब्जी वगैरह भी बनाता है वो, ज्यादातर वो नॉनवेज, नॉनवेज उसको ज्यादा पसंद है, तो वो अच्छी बनाता है। हाँ। लेकिन जितना साफ आप काम करते हो, मुझे नहीं लगता कि वो काम का तो करता नहीं, है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। क्या बात है, बताओ मतलब, क्योंकि मैं उसको चिल्लाती हूँ ना, डांटती हूँ ना, अच्छा डांटने के बाद वो चीजें जो है धीरे धीरे सब, तो उसको पहले बोलते ये सब बना रहा है तो उसको पूरा ये करना है, मुझे ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए वहाँ, मतलब ये जो डांट है ना मम्मा की, ये उन्हें ना तो पहले से वो पूरा कर लेता है ना। ऐसी कोई चीज जो आपने कभी खाई ना हो और उसने बनाई हो एक्सपेरिमेंट करके, कि हम लोग बहुत पेरेंट्स जो होते हैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, वो बहुत पर्टिकुलर देसी फूड खाते हैं सारी चीजें, तो ऐसी कुछ चीज उसने खिलाई और आपने बोला कि हाँ ये तो मैंने अब तक नहीं खाई बट अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं? उस वो जो भी बनाता था तो वो टेस्ट करने के लिए देता था, मम्मी ये देखो ना खा के कैसा बना है, कैसा बना है, तो हम खाते थे। अब जब खाने के बाद इतना वेट बढ़ जाता है तो उसका क्या, आपने उसके पीछे लगाम लगाई नहीं लगाई? क्योंकि आप इतना डांटते हो, डांटने वाली मम्मा है हमारे साथ, तो डांटती हूँ लेकिन वो कभी कभी असर होता है उस पर, कभी कभी नहीं होता है। वैसे तो वो जिम वगैरह जाता था, वॉकिंग भी करता है सुबह करता है, तो ये जो है ना अंदर के राज ये पेरेंट्स ही बता सकते हैं। एंड मम्मा जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड वाली मम्मा है दोयेश की, इसीलिए दोयेश जो है ना इतना शाय है वो सच में। हाँ, थोड़ा है, मस्तीखोर है? नहीं मस्तीखोर भी है पर थोड़ा शाय भी है, शाय है। हाँ, है ना, है ना, मस्ती तुम्हारे साथ निकलती नहीं निकलती कि वो ऐसी है बहुत डिसिप्लिन्ड? हाँ, तुम ज्यादा हो कि वो ज्यादा मस्तीखोर है? मम्मी को बता, मम्मी बताओ कौन मस्तीखोर ज्यादा है? मस्तीखोर ये है, झगड़ा कौन पहले करता है? ये करता है, ये करती है, ये ज्यादा चिल्लाता है। देखा, मैंने कहा था कुछ शायवा नहीं होते, अंदर के राज सारे निकल पड़ते हैं यहाँ पर, झगड़ा वही करता है ना। फिर आप बीच में कौन आता है आप समझाने? मैं चिल्लाती हूँ दोनों में, ये मम्मी जो झगड़ा करना है दोनों, नहीं तो फिर चुपचाप बैठो दोनों, तो ये फिर ये उसकी सिस्टर बोलती है कि नहीं हम दोनों देख लेंगे, बस फिर ऐसा रहता है, वो यही होता है, झगड़ लेते हैं फिर बाद में अपने एक भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना कि दोनों झगड़ रहे तो ये करना चाहिए। तो ये जो मम्मा है ना ये बहुत डिसिप्लिन मम्मा है, इसीलिए दोयेश जो ना इतना डिसिप्लिन, इतना मैनर्ड लगता है। और दोयेश के पीछे की स्टोरीज जानी, लेकिन एक ट्रिकी कॉन्टेस्ट और एक ट्रिकी पार्ट जो है वो अभी बचा है। सो फॉर दैट डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी। इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी, और आज हमारे साथ है वायरल फूडी दोयेश। और जैसे कि हमने इनसे बात की, इनकी फैमिली से बात की, इनके पीछे के सारे राज जाने, लेकिन इसके साथ साथ एंडिंग सेशन जो है हमारा बहुत ट्रिकी सेशन होता है। अब तक हमने रेसिपीज बनाई लेकिन हम दोयेश रेसिपी नहीं बनाएंगे, क्यों रिपीट करना है, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग इतना फूड ब्लॉगिंग करते हैं, अब तो ये
ऐसे से भी पहचान जाता है कि आसपास बन क्या रहा है. इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग कर चुके हैं, इतनी रिव्यूज क्रिएट कर चुके हैं, इतने कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं. नाउ ही इज़ 80K स्ट्रॉन्ग फैमिली. सो मैं ना इन्हें ब्लाइंड फोल्ड करने वाली हूँ. हमारे सामने ना कुछ खाना रखा है जो कि मैंने दोयश को बिल्कुल नहीं दिखाया है. ट्रस्ट मी, नहीं दिखाया. चीटिंग नहीं करेंगे, इन्हें ब्लाइंड फोल्ड करेंगे. और इन्हें इधर मत देखो, तुम खाना दिख जाएगा तुमको. इन्हें ब्लाइंड फोल्ड करने वाले हैं और फिर इन्हें हम सुनाने वाले हैं खाना. और ये अगर बताते हैं सच है कि नहीं, इन्होंने कौन सा फूड है, तो ये पास हो जाएंगे. ओके, इसे ब्लाइंड फोल्ड करना भी ट्रिकी है. या टाइट है? हाँ टाइट है. कुछ दिख रहा है? कुछ नंबर्स, कितने फिंगर्स हैं बताओ. कुछ भी नहीं दिख रहा. पक्का? पक्का. सच में नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दिख रहा नहीं दिख रहा है. ओके सो स्टार्ट करें. ठीक है, तो मैं सिर्फ स्मेल करना, ठीक है? बताओ क्या है. वक्त ले सकते हो? वक्त ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ढोकला. वाह 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 वाह. हाँ आ गया, पता चल गया. मैं तो फूड ब्लॉगर भी, मुझे भी पता चल गया. यार खाना इज लाइक, खाने के शौकीनों को अगर खाना नहीं समझ में आएगा तो फिर तो क्या ही बात है. और फूड ब्लॉगर्स तो यार रोज का काम है. थोड़ा सा दूर रखोगे? मुझे ही आ गए याद. ब्रेड पकौड़ा. ये बात, ब्रेड पकौड़ा. ओके द थर्ड वन. समोसा. फिर से ये वाला. ओके द थर्ड वन. समोसा. नहीं है ये समोसा. आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स क्या है. एंड द लास्ट वन. कुछ मीठा लग रहा है ये. आई थिंक जलेबी. यो, ये जलेबी इमरती है राइट? तो जलेबी इमरती बहन बहनी होती है. तो खोल ले. चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो तुमने गलत गेस किया वो क्या था. ये तुम खुद खोल सकते थे. सब मुझसे मेहनत करा रहा है ये लड़का, बताओ. सारी मुझसे मेहनत करा रहा है. जो तुमने गेस नहीं किया वो थी कचौड़ी. और कचौड़ी इसलिए नहीं गेस की ना, क्योंकि हम लोग ना नागपुर में बहुत ज्यादा समोसे खाते हैं. समोसे और कचौड़ी में अगर हमें चूज करना रहा तो हम समोसा ही चूज करते हैं. सो यश, ये तो था हमारा आज का सेशन विद दोयश. दोयश, बस दोयश का मतलब क्या होता है? दो बार सक्सेस. अच्छा, मतलब ये 80 तो हो गई है, डबल 80 हो जाए और बस होते ही जाए. वी विल बी प्रेइंग फॉर हिम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनसाइड स्टोरीज विद मीनाक्षी. आज के हमारे गेस्ट थे वायरल फूडी. बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, हमें भी वायरल होना पड़ेगा. और हम ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर से मिलेंगे नेक्स्ट जो एपिसोड है. इट इज़ गोना बी फन. कौन सा होगा वो कंटेंट क्रिएटर, जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. आपको बस यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना है. डू शेयर आवर एपिसोड. एंड अगर आप भी, आपके कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी इनसाइड स्टोरीज यू वांट टू नो, जस्ट डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल. डू फॉलो वायरल फूडीज. एंड इट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन, बाय बाय.